आइए हम आपसे परिचय कराते हैं विद्याधर नगर समिति के अध्यक्ष हनुमान जी से। हनुमान जी बहुत बहुत बधाई हो, एक ऐसा आयोजन जहाँ समाज में कभी परिकल्पना नहीं की थी इस विद्याधर नगर ने, वह आपने सफल आयोजन जो कर रहे हैं, क्या आपकी ऊर्जा है? इसके पीछे महिला मंडल का नया गठन हुआ है, उन लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और ये प्रथम बार पहली बार हुआ यह कार्यक्रम, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। ये जो आयोजन है पूरा, इसका पूरा संचालन महिला मंडल कर रहा है? महिला मंडल कर रहा है इसका। ये शायद डांडिया होता भी महिलाओं का ही है। आपने देखा किस तरह से हनुमान जी पूरा क्रेडिट महिलाओं को देना चाह रहे हैं। हमारे साथ और भी विजयवर की बंधु है जिन्होंने सफल आयोजन मनाने के कंधे से कंधा मिलाया है, ये किसी एक का आयोजन नहीं है। हम आपसे हम जानना चाहते हैं, आपको क्या लग रहा है आज इतने वर्षों बाद विद्याधर नगर में समिति बने हुए भी 20 साल हो गए और ये आयोजन पहली बार हुआ है, महिला मंडल पहली बार यहाँ सामने आई है और अच्छा प्रयास किया है और ये प्रशंसनीय बात है, आगे भी ये बहुत अच्छे काम करेंगी। मतलब ये देखा सभी को उम्मीद है इस मंडल से, इस कार्यक्रम से, लेकिन हम लोकेश भाई से आपसे जानना चाहते हैं, कभी आपने परिकल्पना की थी कि विद्याधर नगर में महिला मंडल का उद्गम होगा, महिला मंडल का एक आकार आएगा, स्वरूप आएगा? विजयवर्गीय वैश्य समाज समिति विद्याधर नगर का 2007 में गठन हुआ था, तभी से हमारे क्षेत्र की महिलाओं की ये मांग थी कि भाई साहब हमें भी सक्रिय करो कार्यक्रम में, और उसी की परिणति के रूप में पिछली बार सावन में इन्होंने तीज महोत्सव अपने गांव में किया था, वो भी बहुत बड़ा सफल आयोजन था। उसके बाद मेहंदी का कार्यक्रम इन्होंने किया, सिंजारा महोत्सव, वो भी बहुत बड़ा कार्यक्रम इनका सफल हुआ था। इसके बाद इन्होंने डांडिया किया, प्रस्ताव इन्होंने रखा, हमने भी पूरा कहा कि हम भी पूरी तरह से आपके साथ हैं और हमारी महिलाओं में बहुत जोश और जागृति है और उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी दिन रात मेहनत की। आज उसी की परिणति के रूप में जो हम देख रहे हैं कि जितनी अपेक्षा थी उससे दुगनी संख्या में हमारे लोग यहाँ इकट्ठे हैं। आप देख रहे हैं इनके चेहरे बता रहे हैं कि आयोजन कैसा है। मैंने हम आपसे जानना चाहते हैं, 2019 का संगठन हुआ, 2019 आपको नहीं लग रहा बहुत लंबे समय हमने गुजारिया महिलाओं को आगे लाने में? बहुत लंबा समय गुजार लिया, लेकिन अब जो हुआ है ये महिला मंडल ने जो शुरुआत की है बहुत ही सराहनीय कदम है और ये विद्यानगर के लिए एक गर्व की बात है। आपको क्या लगता है कि ये जो महिलाओं ने आगे आके जो बीड़ा उठाया है ये कहाँ तक सफल हो पाएगा, और आपको क्या लग रहा है कि विद्याधर नगर विजयवर्गीय समाज को कुछ क्या ऊंचाइयों पर दे रहा है? ये गरबा प्रोग्राम जो महिला मंडल ने किया है इससे विद्याधर नगर के सारे विजयवर्गीय परिवार आपस में जुड़ेंगे और इस प्रोग्राम से काफी फायदा मिलेगा सारे विजयवर्गीय बंधुओं को। हमारे नमस्कार सर, आपने जो बेस रूपा पहन रखी है शायद गुजराती है? गुजराती है। आपको ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया गरबा से आया, हमारी मैडम ने हमें स्पेशली दिलाई और हमें पिलाई। मतलब ये मानना जाए कि विद्याधर नगर में जो महिलाएं घर के बाहर काम कर रही है घर के अंदर भी कर रही है। हाँ, उनका पूरा योगदान है पुरुष को आगे बढ़ाने में। आप क्या कहते हैं आपकी ड्रेस के बारे में, आपके सब इवेंट के बारे में? बहुत अच्छा महिलाओं ने ऑर्गेनाइज किया है, मैं तो चाहूंगा आगे भी इसी तरह से ऑर्गेनाइज होता रहे और हमारा समाज इस तरह से तरक्की करता रहे। आप देख रहे हैं इनका चेहरा, ये चेहरा बता रहा है कि आयोजन क्या है, ये चेहरा बता रहा है कि विजयवर्गीय समाज कहाँ है, ये चेहरा बता रहा है कि महिला। नाम बताइए। प्रियंका। प्रियंका जी, आपने इतने साल बाद विजयवर्गीय समाज में महिलाओं के द्वारा आयोजित महिलाओं का कार्यक्रम डांडिया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि समाज भी कुछ है, आज प्राउड फील हो रहा है अपने समाज पे। कितनी तैयारी की आपने इसके, मतलब या केवल आप केवल ड्रेसअप करके आए या डांडिया भी खेला आपने? डांडिया बहुत खेला, मैं थक गई, मुझे देख के लग रहा है कि मैंने बहुत सारा डांडिया खेला है। हम नहीं कह सकते थके हुए लग रहे, आपके चेहरे बहुत खिल रहे, क्योंकि जो मेहनत करता है उसका फल मिलता है, उसका चेहरा खिलता ही है। हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने आयोजन किया, समाज की जितनी भी महिलाएं उनको आगे लाए। हम एक बार और आपसे बात कर चाहेंगे इनसे कि आपको कैसा लग रहा है ये सब? निधि विजय, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये देख के आयोजन, हमारा समाज बढ़ता ही जा रहा है आगे से आगे, विद्याधर एरिया में डेवलप हो रहा है इतना चीजें कि हमने लहरिया उत्सव किया, उसके बाद डांडिया उत्सव, और आगे से आगे दिनों दिन हम करते जाएंगे और भी अच्छा। हमारे साथ है पूजा जी, पूजा जी आपसे जानना चाहेंगे हम कि ये जो आयोजन आप लोग कर रहे हैं उसको आपको क्या लग रहा है, किस तरह का इसमें आयोजन में आपकी भागीदारी है? और उसने जब तक ये हमारी चाची, मेरी चाची है, जब तक ये मेरे साथ में है ये कार्यक्रम ऐसे ही बढ़ता रहेगा और आगे और अच्छा होता रहेगा।
आप किसी और पे जिम्मेदारी दे, इससे अच्छा है कि अपनी जिम्मेदारी खुद समझे। आने वाले समय आप लोगों का है, आप ही को आगे लेना है। लेकिन हम एक चीज जानना चाह रहे हैं कि आप सब ड्रेसअप आप सबका खिला हुआ है, डांडिया आप लोगों ने कितने भी किया है? सब नहीं। और इसका प्रैक्टिस कितने दिन से कर रहे हो? 10 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हमने आप लोगों को दिखाया भी कि ना डांडिया दिवाली की सफाई में साथ में। ये दिवाली की सफाई के साथ जो समाज में आपने एक ऊर्जा भरी है वो अकल्पनीय है, उदाहरणीय है। एक बार हम फिर गायत्री जी से बात करना चाहेंगे। गायत्री जी, ये जो आयोजन आपने किया, इस आयोजन की रूपरेखा बताइए, किस तरह का आयोजन है और इसमें आप क्या क्या इवेंट आप कर रहे हैं? इसमें कोई भी मतलब ना इवेंट का नहीं है, किसी भी तरह का नहीं। मेरी जो सारी छोटी बहनें हैं सब इन्हीं का सपोर्ट से, इन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी है। मेरा एक बार फ़ोन करूं तो हाजिर हो जाती है कि नहीं चाची हमें आना है, नहीं भाभी हमें आना है, नहीं दीदी मुझे आना है। तो मतलब इनके सपोर्ट से, इनको मैंने कुछ भी कहा है तो हमेशा आई है मेरे। अभी हमने देखा है आप जहाँ आपका नहीं, नहीं हम पार्टिसिपेट करने नहीं आए, हम आप सबको दिखाना है समाज को कि समाज जिन्होंने इस पूरी आबादी को बैक स्टेज पर पड़ रखा था उसके लिए कोई स्पेस समाज में नहीं दे रखा था, उसको आप अपने खुद बलबूते पे लेके आए। ये हम समाज को दिखाना चाह रहे हैं कि समाज की आधी आबादी अब बैक नहीं रहेगी, अब वो फ्रंट पे आके खेलेगी और इस तरह के आयोजन समाज में होते रहेंगे। हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय धन्यवाद आपको इस सफल आयोजन के लिए। आप सबको हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो आयोजन किया आपने, ये कहाँ से आपने आरोप किया, ये कहाँ से आपके पास आया कि हमें डांडिया करना चाहिए? हमने ये सोचा है कि अगर जब महिला अंदर ही बैठी रहती है घर में, हम किसी का रिश्ता करने जाते हैं, बहू बेटी का बेटे का रिश्ता करते हैं, हम किसी को जानते ही नहीं है। महिला मंडल के द्वारा हम किसी के घर जाना आना तो हमें लगता है कि चलो हमको जानकारी तो मिलती है। बच्चों की शादी भी करनी होती है, किसी से संपर्क भी करना होता है। आजकल की न्यू जनरेशन बहुएँ जो है इतनी पढ़ी लिखी है कि वो चाहती है कि हमें आगे मौका मिले, कि हम आगे आए। बहू भी देख ले कि मेरी सास ज्यादा मॉडर्न है। मॉडर्न है, ठीक ठीक, बहुत अच्छा आपका व्यू है, बहुत अच्छी आपकी सोच है। लेकिन फिर भी हम ये एक चीज जो हमारे जहन में आती है, ये नहीं लगता आपको ये सब कार्य महिलाओं का है नहीं, आयोजन करना, समाज से बाहर निकलना, कहीं आपको कोई बैरिकेडर्स, कहीं आपको कोई व्यवधान ऐसा कुछ है? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं है। मुझे तो ये लग रहा है मेरी जो बहुएं आ रही है ना वो इतनी टैलेंटेड है। आज कोई भी इतनी सुर वाली है, कितनी आवाज अच्छी है, कोई इतनी टैलेंटेड है, कोई का कुकिंग अच्छी है, किसी मेहंदी अच्छी है, किसी का सिंगिंग अच्छा है, किसी का डांस अच्छा है, उनको उभर के आना चाहिए। इसलिए मेरा माध्यम यही है कि सबको एकजुट होके महिलाओं को आगे लाया जाए, और मेरा कोई मकसद नहीं है। ये हम मानते हैं आयोजन किसी सिंगल का नहीं हो सकता, एक टीम का होता है, लेकिन फिर भी हमने सुना और जाना है। इसके पीछे अगर किसी का मजबूत हाथ है तो वो है गायत्री जी का। गायत्री जी, अपने आप को कहां पाती है इस आयोजन को देख के? ये इन सबका बड़प्पन है, ये सब इनका बड़प्पन है। इनके बिना मैं अकेली थी, एक हाथ से थाली नहीं बजती, इन सबके सपोर्ट से मुझे। नहीं, ये सत्य है कि कोई भी आयोजन अकेले से नहीं हो पाएगा, मेल हो फीमेल हो उससे कहीं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टीम होना जरूरी है। लेकिन टीम को लीड करना जरूरी है, टीम को ये बताना जरूरी है हमें क्या करना। उसके लिए शायद ये सभी एक सुर में बोल रहे हैं कि गायत्री जी ने बहुत मेहनत की है, आप अपनी मेहनत को कहां पा रहे हैं? नहीं नहीं, इन सबकी मेरी सब बहनों की मेहनत कामयाब है, तब मैं आगे हूँ, नहीं तो मैं आगे नहीं हूँ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम निम्मो विजय है। ये हमारे दादा निम्मो भी है जो ये बताना चाहेंगे। आपको क्या लग रहा है जो गायत्री जी ने ये आप सब मिलके जो सपना देखा था, ये कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं? मैं बहुत दिनों से तैयारी कर रही। अब तक मुझे ये नहीं पता था कि हमारा विजयवर्गीय समाज इतना बड़ा है। हमारे विजयवर्गीय समाज की पहचान नहीं थी, आज इस प्रोग्राम से हमारे विजयवर्गीय की बहुत बड़ी पहचान मंडल भी क्या कर सकती है। हमने बहुत मेहनत से इस सबको इकट्ठा किया, जाट गुट बना हुआ है। आपका नाम बताइए। कीर्ति विजय। शायद इस ग्रुप में आप सबसे कम उम्र के भी होंगे, आपको कैसा लग रहा है इन सब अनुभव लोगों के साथ? या आपने कभी बड़ी सपना की थी कि आप विजयवर्गीय समाज में डांडिया खेल पाएंगे? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं सिर्फ गायत्री चाची की वजह से इस ग्रुप में आई थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा विजयवर्गीय समाज इतना बड़ा है। समाज आपसे उम्मीद भी कर सकता है कि आगे आप भी आयोजन कर सकते हैं ऐसा। देखा आपने, सब पे जोश है, सब में उल्लास है। आपका नाम बताइए। सोनाली विजय। ये सोनाली जी है। सोनाली जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कैसे लग रहा है आप डांस करते हो? बहुत 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 अच्छा, हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे, और मैं हमेशा चाहूंगी कि ये समाज आगे से आगे बढ़ता रहे।
और हमेशा इससे भी अच्छा प्रोग्राम होता रहे हर बार। आप बताइए, आपने कभी परिकल्पना की इस उम्र में बाहर आके हम डांडिया कर? नहीं, कभी नहीं। अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहु बेटियों ने हमें बहुत आगे बढ़ा दिए। वो बहुत बहुत ये जो है इनका सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। हम एक बार फिर आपसे हम बात करा रहे हैं, आपका नाम बताइए। मेरा नाम स्नेहलता है। स्नेहलता जी आप बताइए कि कैसा लग रहा है इस पूरे ड्रेसअप में आपको, कहीं कोई फील आ रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि हम सब बहनों ने एक साथ बहुत मेहनत करके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए, सब एक साथ है, सब बड़े बड़े हमारे हम उम्र के सब एक साथ हम काम कर रहे हैं, ये डांडिया कर रहे हैं, सब कुछ मिलजुल कर बहुत अच्छा लग रहा है हम सबको, नई नई फ्रेंड्स बन रही है। आप बताइए आपको डांडिया कैसा लग रहा है? एक बार और तो हमें आपसे जानना चाह रहे हैं, ये जो आयोजन हो रहा है इसमें आपको कहीं कुछ लग रहा है कि और कुछ करना है या इसी को आगे बढ़ाना है? नहीं, इसको और आगे बढ़ाएंगे, और कुछ भी करना और भी आगे बढ़ाना। बस एक बात कहना चाहूंगी कि अपना हमारा विजयवर्गीय समाज बहुत छोटा है, कोई इसको जानता नहीं था कि विजयवर्गीय समाज कौन है, विजय की पहचान ही नहीं है। आज मुझे दिल से फील हो रहा है कि मेरा विजयवर्गीय समाज छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, और हम सब मिलकर इसको खूब बड़ा करेंगे, मतलब अपने विजयवर्गीय समाज पे नेक्स्ट ईयर इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे हम लोग। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा एंजॉय करा और सबके साथ बहुत मज़ा आ रहा है। ये प्रोग्राम करने के लिए हमने पूरे एक महीने से मेहनत की है और आज जाके लग रहा है कि हाँ सक्सेसफुल हुआ है, कि सब इसका एंजॉय कर रहे हैं। एक बार हम आप सबको फिर बता दें कि हम जो जिस मुहिम को लेकर निकले, जिस उद्देश्य को लेकर निकले, समाज की आधी आबादी महिलाएं, जिसके बिना परिकल्पना करना मुश्किल है। हम विद्याधर नगर को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि देर से सही लेकिन दुरुस्त आए, महिलाओं की जिम्मेदारी पे महिलाओं को आयोजन किया। ये समाज में एक नई रोशनी लेके जाएगा, समाज को एक ऊंचाई पे लेके जाएगा, समाज को एक आदर्श प्रस्तुत करेगा और ये समाज के लिए एक बहुत मील का पत्थर स्टार्ट होगा। जय हिंद, जय विजयवर्गीय। नमस्कार, अब हम इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार महिला आदि आबादी, जिसके बिना समाज की परिकल्पना नहीं हो सकती, जिसके बिना देश की परिकल्पना नहीं हो सकती, उस आदि आबादी महिलाओं से बातचीत करने